नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मोदी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार का ये झटका कई मायनों में खास माना जा रहा है और यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं उस पर भी ये काफ़ी असर डाल सकता है। देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी वक्त से भारत पर दबाव बना रहे थे, रक्षा मंत्री पर दबाव बना रहे थे, मोदी सरकार से वो बार बार ना सिर्फ अपील कर रहे थे, इसको हम दबाव ही बोलेंगे कि वो बहुत बार ये चीज़ बोल चुके थे कि भाई आप हमसे जो अरबों खरबों की डील है वो कर लीजिए। एक MQ-9 रीपर को वो खरीदने पर जोर दे रहे थे। वो कह रहे थे अगर आप इसको खरीदेंगे तो अगर आपका कभी विवाद होता है, इनसे कोई विवाद होता है या फिर कहीं किसी जगह पर कोई भी आपका किसी भी तरह का झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो ये रीपर बहुत काम आएगा। और ये जो डील होनी थी ये अरबों खरबों में होनी थी। देखिए भारत के पास अगर कोई इस तरह का विमान, इस तरह का कोई हथियार या इस तरह की कोई चीज़ आती है जो हमें किसी से युद्ध लड़ने में मदद करे तो जाहिर तौर पर हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भारत का फायदा नहीं देख रहे थे बल्कि वो अपनी राजनीति को दिखा रहे थे। दरअसल बात क्या है कि वो अब चूंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं तो वो समूचे देश में ये चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि उनकी विदेशी नीति कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भारत ने उनके एक बार कहने पर उनसे अरबों खरबों की डील कर ली और इसी से ये प्रूव हो जाता है कि वो दूसरे देशों में अपने जो जितने भी सामान है, जितना भी आयात निर्यात है उसको करने में वो कितने सक्षम है और साथ ही साथ दूसरा इतना समृद्ध देश कैसे उनकी बात मानता है। लेकिन मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे दिया है। मोदी सरकार का ये कहना है कि देखिए बहुत ज़्यादा इनके जो ड्रोन कैमराज हैं, इनके जो हथियार हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो जो अमेरिका से हम ले रहे हैं वो बहुत महंगी है, तो अभी हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह के अगर युद्ध के आसार बनते हैं तो हमें सिर्फ हम सारा पैसा एक ही किसी चीज़ पर नहीं लगा सकते हैं, हमें अलग अलग तरह के हथियारों को खरीदना है, अलग अलग तरह के ड्रोन्स को खरीदना है। तो यहाँ पर मोदी सरकार और रक्षा मंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर इस जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे उसको करारा झटका मिला है और कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक हार के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि वो जो भारत पर दबाव बनाना चाह रहे थे वो तो नहीं बना। ये जो अरबों खरबों की डील होती और पैसा देश में आता जिससे ट्रंप ये दिखा सकते थे कि ये डील मैंने करवाई है, मेरे बलबूते हुई है, उन सब पर पानी फिर गया है। लिहाजा यही वो वजह है कि मोदी सरकार के लिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने झटका दे दिया है। और देखिए ये कोई बहुत छोटी मोटी रकम नहीं थी, बहुत ज़्यादा करोड़ में इसका एक पार्ट खरीदा जाना था, उसके बाद फिर इसकी पूरी लिस्ट थी जिसको खरीदा जाना था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी डील बनती नहीं दिख रही है। लिहाजा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इसका बदला भारत से लेने की धमकी भी दे सकते हैं क्योंकि वो गाहे बगाहे अपनी फ्रस्ट्रेशन इसी तरह से निकालते हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जिस तरीके से करारा जवाब या मैं कहूँ झटका दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, ज़रूर बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस बारे में।